ये तो हम सभी जानते हैं कि पानी का मसला दिन ब दिन संगीन होता जा रहा है, या तेल और शहद की मक्खियाँ कम हो रही हैं। लेकिन ऐसी और भी काफी सारी चीजें हैं जिन्हें हम अपने मिसमैनेजमेंट की वजह से खो सकते हैं। ये वो चीजें हैं जो डेली जिंदगी पर हम पर इफेक्ट होती हैं। तो आज ऐसे ही हम 6 चीजों के बारे में बात करेंगे जिनके मसले का हल तलाश करने के लिए काम तो जा रही है, लेकिन फिलहाल अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिल सकी। 2019 से तकरीबन 5 लाख बॉडीज या ऑब्जेक्ट जमीन के मदार में गर्दिश कर रहे हैं। इनमें से सिर्फ 2000 ही एक्टिव हैं, यानी कि वो मसनू सैारे या सैटेलाइट जिन्हें हम डेली लाइफ में कम्युनिकेशन, GPS या फेवरेट TV शो देखने के लिए यूज करते हैं, जबकि बाकी वो मलबा है जो रॉकेट खला में दाखिल होते वक्त पीछे छोड़ जाते हैं, या जो मदार में मुख्तलिफ चीज़ों के टकराने से पैदा होता है। लेकिन आखिर मसला क्या है? दरअसल ये 5 लाख बॉडीज वो हैं जो हमारे ऑब्जर्वेशन में, जबकि इसमें रोज़ाना इजाफा हो रहा है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी मज़ीद बेहतर हो रही है, वैसे वैसे चीज़ों को मदार में भेजना भी आसान होता जा रहा है। इसे इंसानों के लिए अच्छी खबर समझा जा सकता है, लेकिन हमारी सड़कों की तरह आसमान की ट्रैफिक को काबू में रखने के लिए कोई निज़ाम तो मौजूद है नहीं। हमारे पास ऐसा भी कोई निज़ाम नहीं है कि ज़मीन के गिर चक्कर लगाते मलबे या बाकियात का सफाया कर सकें। ज़मीन के मदार में इन बॉडीज़ के इजाफे से इनके टकराने के खतरात बहुत बढ़ गए। ऐसी सूरत में वो नेटवर्क ख़राब हो सकते हैं जिनकी मदद से हम अपने मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, मौसम का हाल जानते हैं, दुनिया के नक्शे देखते हैं या GPS से मुतालिक दीगर काम करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर रेत भी भला दुनिया से ख़त्म हो सकती है? आखिर हमारे पास इतने सारे सहरा हैं, समंदर हैं जहाँ रेत ही रेत है। लेकिन हकीकत ये है कि दुनिया भर में सॉलिड अशिया में जो चीज़ सबसे ज़्यादा निकाली जा रही है वो रेत और बजरी है। अक्वामे मुत्तहिदा के मुताबिक जिस स्पीड से इसे निकाला जा रहा है उस स्पीड से ये पैदा तो हो नहीं रही। पत्थरों के कुदरती कटाव के अमल से हज़ारों सालों में बनने वाली रेत रोज़ाना बड़े पैमाने पर वाटर प्योरिफिकेशन, कंस्ट्रक्शन, सीम ज़दा ज़मीन को फिर से काम में लाने, हमारी खिड़कियों के शीशे बनाने, मोबाइल फ़ोन्स के पार्ट्स बनाने में यूज़ हो रही है। तो रेत के इस नुकसान से कमज़ोर इकोसिस्टम को ख़तरा हो सकता है। यही वजह है कि इसके इस्तेमाल की आलमी सतह पर निगरानी के लिए लॉज की डिमांड बढ़ती ही जा रही है। सेलिब्रेशंस पर कलरफुल बलून्स का इस्तेमाल तो बहुत ही कॉमन है, और फिर इन्हें हवा में यूं ही छोड़ दिया जाता है। मगर ये जानकर शायद आपका ज़मीन मलामत करे कि इनमें भरी जाने वाली हीलियम गैस के रिजर्व्स भी बड़े महदूद हैं। ये गैस ज़मीन की गहराई से हासिल की जाती है और शायद चंद दहाइयों का रिजर्व ही अब बाकी बचा है। बाज़ अंदाज़ों के मुताबिक तो 30 से 50 सालों के अंदर ही इस गैस की शॉर्टेज के असरात ज़ाहिर होने लगेंगे। तो इसकी कमी से जश्न ही फीके नहीं पड़ेंगे, बल्कि हमारे मेडिकल ट्रीटमेंट भी इफ़ेक्ट होगा, क्योंकि ये गैस MRI या इंटरनल बॉडी इमेजिंग मशीन मकनातीसों को ठंडा करने के भी काम आती है। हीलियम गैस कैंसर, दमाग और हराम मगज़ की चोट की डायग्नोसिस और इलाज में भी बहुत काम आती है। कमर्शियली पैमाने पर पैदा किए जाने वाले तेलों की ज़्यादा तादाद पानामा नामी बीमारी के फंगस या फफूंदी से अफेक्टेड। हम जो केले खाते हैं इसका ताल्लुक केले की इस किस्म से है जो कि कैवेंडिश कहलाती है। पानामा नामी फफूंदी केले की इस नस्ल में तेजी से फैल सकती है। ऐसा पहले भी हो चुका है। 1950s में इस बीमारी ने दुनिया भर में केले की पूरी फसल तबाह कर दी थी, जिसकी वजह से काश्तकारों ने ग्रास मिचल नामी केले की किस्म छोड़ के कैवेंडिश किस्म उगाना शुरू कर दी थी। तो अब रिसर्चर्स केलों की ऐसी इकसाम तैयार करने में मसरूफ हैं जो फफूंदी के मुकाबले में रेजिस्टेंट रखती हों और खाने में लजीज भी हों, क्योंकि भाई हम केलों के बगैर फ्यूचर को तो तसव्वुर नहीं कर सकते ना। वैसे तो काबिले काश्त मट्टी में कमी का फौरी तौर पर कोई खदशा नहीं है, मगर हमारी मिसमैनेजमेंट ने इस सिलसिले में भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। टॉप सोयल या मट्टी की बैरूनी लेयर वो मुकाम है जहाँ से पौधे अपनी खुराक का सबसे ज़्यादा हिस्सा हासिल कर। वाइल्ड लाइफ के लिए काम करने वाली तंजीम WWF के एक अंदाजे के मुताबिक पिछले 150 सालों में ज़मीन की ऊपरी लेयर का आधे से ज़्यादा हिस्सा ख़त्म हो चुका है। डिफॉरेस्टेशन यानी कि ज़मीन बर्दगी, शदीद काश्तकारी, जंगलात की कटाई और ग्लोबल वार्मिंग में इजाफे के बारे में ख्याल है कि इनकी वजह से ज़मीन की काबिल काश्त लेयर को नुकसान पहुँच रहा है। इसी लेयर पर हमारी खुराक की पैदावार तो डिपेंड करती है। फॉस्फोरस का बज़ाहिर हमारी डेली रूटीन में तो कोई ख़ास अमल दखल नहीं है, लेकिन ये ना सिर्फ बायोलॉजिकली एतबार से इंसानी DNA के स्ट्रक्चर के लिए ज़रूरी है, बल्कि ये आर्टिफिशियल खाद का भी अहम कंपोनेंट है जिसका कोई ऑल्टरनेटिव तो है नहीं।
तो पहले तो ये पौधों और जानवरों के वेस्ट के जरिए इसी मिट्टी में लौट जाता था जहां से हासिल किया जाता था, मगर अब ये फसल के अंदर होने की वजह से शहरों को ट्रांसफर हो रहा है, जहां से ये पानी में धुल कर ड्रेन सिस्टम में चला जाता है। तो जिस स्पीड से मामला आगे बढ़ रहे हैं, इससे ये अंदाजा होता है कि फॉस्फोरस के रिसोर्सेस 35 से 40 साल तक ही चल पाएंगे। तो हम दिन ब दिन अपने प्रीशियस रिसोर्सेस से महरूम हो रहे हैं और हमें इसका आइडिया तक नहीं है। लेकिन अब रिसोर्सेस में कमी का तकलीफ एहसास हमें रफ्ता रफ्ता होने लगा है।